नमस्कार, मैं हूं कांता। राजस्थानी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट से जो इजीली हमारे पास घर में मिल जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 1 कप चीनी, आधा कप वनीला का कस्टर्ड पाउडर, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 छोटा कटोरी पिस्ता, 5 से 7 इलायची का पाउडर, केसर के कुछ धागे। हमने यहाँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे मिक्सी का एक जार लिया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे, कस्टर्ड पाउडर, काजू, बादाम और इलायची पाउडर। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा फाइन सा पाउडर बन करके तैयार है। तो देखिए, इस पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज में रख सकते हैं। 6 से 7 महीने तक ये पाउडर खराब नहीं होता है। जब ये पाउडर बना हुआ होगा तब आपको आइसक्रीम बनाने में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो देखिए, हमने सारा दूध एक कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को हाई रखा है। अब हमें लगातार चलाते हुए दूध को हिलाते रहना है ताकि दूध कढ़ाई के तले पे चिपके ना। दूध उबलता है तब तक हम इस पाउडर को घोलकर तैयार करेंगे। तो देखिए, 5 चम्मच पाउडर हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम दूध डाल के इसका घोल बनाएंगे। इसका हमें फाइन घोल बनाना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमने इसका घोल बना लिया है। देखिए, दूध में भी अच्छे उबाल आ रहे हैं। इसको हम मिलाते जाएंगे, जो मलाई साइड में आती है उसे भी हम स्क्रैप करते जाएंगे और इस आइसक्रीम को अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे। अब हमने जो दूध में घोल रखा था पाउडर, वो पाउडर सारा हम इस दूध में डाल देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाते हैं तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। बीच बीच में चम्मच चलाते रहे इसमें। तो देखिए, इसमें बबल्स उठने लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसको ठंडा होके हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ठंडा होने के लिए इसको हम किसी पंखे के नीचे रख देंगे। तो देखिए, बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए आप, गाढ़ी हो चुकी है। अब चलते हैं इसको जमाने के प्रोसेसर में। तो देखिए, आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी के सिकोरे लिए हैं। इन सभी में हम ये बैटर डालेंगे। तो अब पिस्ता से हम इनकी गार्निशिंग करेंगे। केसर के धागे डालेंगे। अब इनको हम रात भर के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए, आइसक्रीम को हमने रात भर के लिए फ्रीज में रखा था। आइसक्रीम हमारी जम करके तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इस तरह ये आइसक्रीम आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।